हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड शेयर के बारे में। दोस्तों, अगर आज बात करें BHEL की, तो देखिए 39.20 पे शेयर आज क्लोजिंग दी है। 0.75 पैसे गिरा है शेयर, और -2% के लगभग आज हमें इसमें नेगेटिव हम कहने देखने को मिला है। तो दोस्तों, अगर हम BHEL की बात करें, तो देखिए आज बीच में BHEL ने काफ़ी अच्छा मूव दिखाया था अराउंड 12 से लगाकर 1 बजे तक। लेकिन जैसे ही देखिए जो मार्केट का सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ, तब से देखिए शेयर ने जो आपको एक डाउन ट्रेंड दिखा दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ द निफ्टी मिड कैप इंडेक्स। याद रखिए, निफ्टी मिड कैप के कारण आज शेयर गिरा है। शेयर में वैसे तो आज गिरावट दिख नहीं रही थी, लेकिन देखिए जैसे जैसे सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ, वैसे ही देखिए आज शेयर गिरावट में आ गया। और देखिए, गिरावट का पहला संकेत तो ये था कि आज देखिए मंथली एक्सपायरी थी, ठीक है। मंथली एक्सपायरी फर्स्ट रीज़न था। सेकंड रीज़न ये था कि FNO बैन में है। देखिए, जो मंथली एक्सपायरी ख़त्म हो रही थी, उसके कारण FNO बैन से बाहर आ जाएगा कल BHEL। इसलिए FNO बैन से जो निकलने के थोड़ा सा ये आप कहते स्ट्रिंग हो गया, और शेयर निफ्टी मिड कैप इंडेक्स के कारण तीसरा ये गिर चुका है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स थोड़ा सा आज लो ट्रेंड कर रहा था, इसलिए देखिए आज सारे जो भी निफ्टी मिड कैप इंडेक्स के शेयर थे, वो सब में आपको थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिला। तो देखिए, ये था आज तीन कारण भेल गिरने के। लेकिन देखिए, जो अच्छी बात ये निकल के आ रही है BHEL की, कि BHEL FNO बैन से बाहर आ चुका है। देखिए, FNO बैन से जैसे ही ये बाहर आता है, देखिए हर बार अच्छा मूव दिखाता है। मैं आपको दिखाता हूँ पिछले एक महीने के ट्रेंड्स, जब जब FNO बैन से बाहर आया। ये देखिए, जब भी इसमें आपको बड़ी कह सकते हैं देखने को मिला है, तब तब FNO बैन से बाहर आता है। देखिए, भेल के बहुत ज़्यादा अभी बाइंग चल रही है, आप समझ के चलिए। जब भी BHEL में बाइंग चलती है, इसका मतलब BHEL में अच्छा मूव आने की बिल्कुल तैयार के लिए शेयर बैठा है। FNO बैन में होने के कारण गिर चुका है शेयर। और देखिए, अभी मुझे लगता है शेयर में आपको अच्छे खासे रिटर्न्स दिख सकते हैं, अगर मुझे लगता है शेयर 41 तक जा सकता है। और देखिए, जब भी FNO बैन से बाहर आता है, तो ये कम से कम 3-4% का मूव दिखाई देता है। और देखिए, कल FNO बैन से बाहर आ चुका है, तो मुझे लगता है कल भी ये शेयर बढ़ सकता है, अगर मार्केट पॉजिटिव रहा तो। अगर मार्केट पॉजिटिव रहा तो बिल्कुल मुझे लगता है शेयर बढ़ सकता है कल। और देखिए, अभी अगर मैं आपको बात करूँ, तो मुझे लगता है कल भी मार्केट पॉजिटिव रहने वाला है। अगर हम टेक्निकल्स की बात करें, अगर आज BHEL के टेक्निकल्स की बात करूँ, तो देखिए BHEL में आज जो एक अच्छी बात रही कि इसमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय चल रही है। देखिए, स्टॉक्स में जब भी स्ट्रॉन्ग बाय चलेगी, शेयर बढ़ेगा। अगर मैं आपको आखिरी 15 मिनट की बात बताऊँ, तो देखिए FNO इसमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ गया था, लेकिन आज ओवरऑल स्ट्रॉन्ग बाइंग रही थी शेयर में। और मुझे लगता है शेयर देखिए अब बढ़ सकता है, ठीक है, आपको शेयर बढ़ता हुआ दिख सकता है। मेरे को पूरी उम्मीद है यहाँ पे, और मुझे लगता है आप शेयर में आपको बाइंग करके चलना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, शेयर की और आगे बात करें, तो देखिए आज इसके रेजिस्टेंस क्या रहेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वो 42 का है। देखिए, 39.82 का आज पहला इसका प्राइवेट रोल टूट गया, लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है अभी तक। 39.20 पे आज इसने अपना देखिए जो भी क्लोजिंग दिया है, मुझे लगता है कल ये 40 के लेवल्स तो आपको आराम से दिखाएगा, 40 लगा से लगाकर 41 तक के। और देखिए, मुझे लगता है भेल में आपको बुलिश इसलिए रहना चाहिए, क्योंकि देखिए भेल बहुत अच्छा काउंटर है। देखिए, भेल जितना गिर चुका है, अब मुझे लगता है उतनी इसमें आपको बढ़ोतरी जल्द दिखने वाली है। देखिए, मैं आपको अगर एक महीने का चार्ट दिखाऊं, तो देखिए BHEL में आपको अभी थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड दिख रहा होगा, लेकिन अभी BHEL काफ़ी संभला है। देखिए, 8% के इसने अभी आपको एक महीने के अंदर रिटर्न्स दिए हैं, और 3 महीने की बात करो तो 3 महीने में तो खासा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं शेयर ने। 3 महीने में आपको पूरे 55% के रिटर्न्स दिए हैं शेयर ने। तो देख लीजिए, अभी शेयर अपने अच्छे खासे जोन में चल रहा है। जब से ये 18 के लेवल्स पर आया था, तब से शेयर में जो आपको बढ़ोतरी दिखी थी, वो तो देखिए आज शेयर कहाँ पहुँच चुका है। और ये मुझे लगता है कि एक 40 का लेवल इसके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है। 40 के लेवल पर हमेशा अटकता है, तो वहाँ पर बढ़ेगा। तो दोस्तों, मेरे को बाइंग की सलाह दी थी, 39 के लेवल पर बाय करके चलिए, 41 तक का टारगेट रखिए, और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए 38.70 का। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक मारना, इस वीडियो को लाइक मारना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, 350 का टारगेट है सब्सक्रिप्शन का, प्लीज़ इसको करवा दीजिए। 350 पे एक अच्छा कॉल लाऊंगा मैंने, जैसे आपको बताया, अच्छा आपको जिससे मुनाफा होगा। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।